जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल टोटल ट्रेन इन्फो पर स्वागत है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और रेलवे की लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 08216 उधमपुर दुर्ग साप्ताहिक सुपरफास्ट किराया विशेष ट्रेन की पूरी जानकारी। यदि आप लोगों में से किसी ने इस ट्रेन में सफ़र किया है तो अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों, कई बार वीडियो अपलोड करने के बाद ट्रेन का समय बदल जाता है, इसलिए लेटेस्ट समय सारिणी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह ट्रेन कहां से कहां तक चलती है, किस रूट से होकर जाती है, किस किस स्टेशन पर रुकती है, इस ट्रेन में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी मैंने इस वीडियो में दी हुई है। यह ट्रेन उधमपुर और दुर्ग जंक्शन स्टेशन के बीच गुरुवार को चलती है। ट्रेन 21 स्टेशनों पर रुकते हुए कुल 1911 किलोमीटर की दूरी लगभग 34 घंटे में पूरी करती है। इस ट्रेन की औसत स्पीड 57 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब मैं आपको कैटरिंग यानी खान पान से संबंधित जानकारी देता हूँ। इस ट्रेन में ऑनबोर्ड कैटरिंग की सुविधा आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको इसके कोच कंपोजिशन के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और सेकंड सीटिंग कोच का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको लोकोमोटिव की जानकारी देता हूं। इस ट्रेन में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको ट्रेन के रूट की जानकारी देता हूं। यह ट्रेन छूटने से आधा घंटा पहले उधमपुर स्टेशन पर आकर रुक जाती है और रात 11:45 पर रवाना होती है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट जम्मू तवी स्टेशन है और यहाँ ट्रेन मध्य रात्रि 12:55 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट पठानकोट छावनी स्टेशन है और यहां ट्रेन रात 2:42 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का तीसरा हॉल्ट जलंधर छावनी जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 5:00 पहुंचती है। यहां ट्रेन 13 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का चौथा हॉल्ट लुधियाना जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:05 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 8 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का पांचवां हॉल्ट राजपुरा जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 7:25 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का छठवां हॉल्ट अंबाला छावनी जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 8:05 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का सातवां हॉल्ट नई दिल्ली स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 10:50 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 25 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का आठवां हॉल्ट आगरा छावनी स्टेशन है और यहां ट्रेन 1:50 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का नौवां हॉल्ट ग्वालियर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 3:50 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का दसवां हॉल्ट झांसी जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 5:20 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 11वां हॉल्ट बीना मालखेड़ी जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 7:38 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 12वां हॉल्ट सागर स्टेशन है और यहां ट्रेन 8:33 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट दमोह स्टेशन है और यहां ट्रेन 9:38 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट कटनी मुड़वारा स्टेशन है और यहां ट्रेन 11:20 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 15वां हॉल्ट शहडोल स्टेशन है और यहां ट्रेन 2:12 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 16वां हॉल्ट अनूपपुर जंक्शन स्टेशन है और यहां ट्रेन 3:02 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 17वां हॉल्ट पेंड्रा रोड स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 3:45 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 18वां हॉल्ट उसलापुर स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 6:05 पर पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 10 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 19वां हॉल्ट भाटापारा स्टेशन है और यहां ट्रेन 7:01 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट तिलदा नेवरा स्टेशन है और यहां ट्रेन 7:23 पर पहुंचती है। यहां ट्रेन 2 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 21वां हॉल्ट रायपुर जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 8:00 पहुँचती है। यहाँ ट्रेन 5 मिनट रुकती है। इस ट्रेन का 22वां और आखिरी हॉल्ट दुर्ग जंक्शन स्टेशन है और यहाँ ट्रेन 9:05 पर पहुँचती है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में किराए से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, क्योंकि किराया हर स्टेशन से अलग अलग होता है और समय समय पर किराए में बदलाव भी होते रहते हैं। इसलिए किराए की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियली साइट irctc.co.in पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों, यदि आपका इस वीडियो और ट्रेन से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हो, इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझसे करीब से जुड़ने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूले। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टोटल ट्रेन इन्फो। आपको कौन सी ट्रेन पसंद है या किस ट्रेन की जानकारी चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
मैं उस ट्रेन का वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।